rapidement. गुड आफ्टरनून उदयवीर। असाइनमेंट मिल गया सबको? सेवेंथ असाइनमेंट। प्रोग्राम तो लिखना शुरू करो, थोड़ा पार्ट तो लिख ही लो कम से कम। कितने लोग कंफर्टेबल हैं लिखने के लिए? हैं? बाकी लोग ने क्यों नहीं अभी तक ज्वाइन किया? वैभव, वैभव, बाकी लोग हमारे फ्रेंड ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? भाई सभी घड़ी में तो 145 हो गया है, 144 पे तो मैंने, अब घड़ी में तो कोई भी अपने हिसाब से कर ले। नहीं मैसेज मत डालो किसी को, नो 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 नो। एक मयंक श्रीवास्तव है, क्या ये लेक्चर में रहते हैं क्या? उदयवीर कभी कभी आते हैं। गुड आफ्टरनून प्रखर, जरा ये मयंक श्रीवास्तव से कहो मुझसे बात करेंगे, या इनका नंबर मुझे दो तो सीधे जो मैं। हाँ लास्ट फोन नंबर है 30 है, 30 3030। मुस्कान शुक्ला, मुस्कान शुक्ला, गुड आफ्टरनून। तुम्हारे डॉक्यूमेंट मेरे पास आए नहीं है, व्हाट्सएप तो आपने किया था, मैंने शायद व्हाट्सएप को रिप्लाई भी किया था और आपने पढ़ा भी था। नहीं नहीं वो छोड़िए, जो आप बता रही थी ना ऑपरेशन हुआ है उसके डॉक्यूमेंट जमा करिए। डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे बेटा, वो ऑफिस में बोला गया है उसको जमा करना है, ठीक है? असाइनमेंट सबको मिल गया है? सेकंड ग्रुप में सिर्फ मुस्कान सुनना तुम्हारा ही वाइवा बचा हुआ है।
चलिए चलिए सभी लोग प्रोग्राम लिखना शुरू करिए। टास्क पता चला पहला, फर्स्ट प्रोग्राम का टास्क है आपको किसी भी दिए हुए नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ योर फंक्शन, फंक्शन बना करके। ठीक है, फंक्शन बनाना सभी को आता है। ठीक 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 चैट बॉक्स नहीं, मुझे व्हाट्सएप करना बाद में, अभी नहीं, कभी कल क्लास कर लूं। मैंने एक फंक्शन बनाया है फैक्ट नाम का, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, काम करते चलिए साथ में। पैरेलल तीन प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम में फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है किसी भी दिए हुए नंबर का, और सेकंड प्रोग्राम में स्वैप करना है यूजिंग फंक्शन, जिसमें दो मेथड्स हैं आपके। पहले में आपको वैल्यू पास करनी है और दूसरे में उसका एड्रेस पास करना है, यानी रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, सब लोग पैरेलली टाइप करिए। मैं अभी कैमरा भी ऑन कराऊंगा, बल्कि सभी लोग कैमरा अपना ऑन कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, लेकिन कैमरा ऑन करके ही काम करिए, तो पता चलेगा कौन कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वाइड मेन, ठीक है, नंबर जो हमको नंबर इनपुट कराना है वो हमने नम नाम का वेरिएबल ले लिया है, एन लेते थे यहां हमने नम ले लिया, चेंज कर दिया है, और एक और वेरिएबल वेर ले लिया है जिसमें हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे भी, या उसको कॉल कर लेंगे, कॉलिंग में भी काम आता है। एक वेरिएबल हमने और एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक, एंटर द नंबर, स्कैन एफ, एम्परसेंट नम। ठीक, यहां तक हमने जो हमेशा काम करते हैं वही काम किया, अब तक कुछ भी इसमें नया नहीं किया है, सिर्फ हमने ऊपर क्या डिक्लेयर किया है, जो फैक्ट जिससे हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे वो इंटीजर टाइप का है, और उसमें जो भी हम लोग आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करेंगे या वैल्यू या जो भी हम पास करने जा रहे हैं वो भी इंटीजर टाइप का होगा, इसीलिए हमने उसके, देखिए जो पैरामीटर में जो उसका डेटा टाइप दिया वो इंटीजर टाइप दिया हुआ है। यहाँ पे फैक्ट भी इंटीजर टाइप का है और जो वैल्यू पास करेंगे वो भी इंटीजर टाइप की होगी, जो यानी जिस नंबर का हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, जो भी हमने वेरिएबल दिया है वेर, इसमें इसको कॉल करा दीजिए। ठीक है, कॉल करा देते हैं, इसको कॉल करा दिया, और आर्गुमेंट जो हमने दिया वो उस नंबर को दिया, और नंबर हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, दैट इज योर इंटीजर टाइप। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ही हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करा ली, यानी रिजल्ट प्रिंट करा लिया, द फैक्टोरियल ऑफ गिवेन नंबर इक्वल टू परसेंट डी, और जिसमें आपने वैल्यू फैक्टोरियल की कॉल की है उस पर्टिकुलर वेरिएबल, यानी वो हमने नाम दिया है वेर। ठीक है, और मेन यहां बंद हो गया, गेट सी एच, गेट सी एच हमेशा मेन से पहले, यानी मेन के अंदर ही, जहां मेन खत्म होने वाला है उससे पहले ही गेट सी एच आपका लिखा जाता है। अब हमने फैक्टोरियल फंक्शन को तो कॉल कर लिया, ठीक ठीक उसके बाद अब इस फैक्टोरियल फंक्शन की हमको डेफिनेशन लिखनी है, तो इसका तरीका भी वही है, इंटीजर फैक्ट, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और जो हमने आर्गुमेंट पास किया है इंटीजर, दैट इज योर, सपोज करिए हमारा एन है, इंटीजर टाइप का एन। ठीक है,
वहां डिक्लेरेशन था, यहाँ डेफिनेशन थी। मुस्कान शुक्ला, डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में डिफरेंस पता है आपको? मुस्कान, बोलोगी नहीं तो क्या तुमको लग रहा है सर पूछेंगे नहीं क्वेश्चन? क्या डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में डिफरेंस पता है आपको? आवाज नहीं आ रही है, बताइए क्या होता है? प्रखर आवाज सुनाई पड़ रही क्या इनकी तुमको? डेफिनेशन बताइए इसकी, इस समय याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक, मत याद करिए, अब बताइए इसमें क्या लिखें। हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, अब बताइए क्या लिखें इसके अंदर? क्या लाइन लिखें? जल्दी बताइए। मुस्कान शुक्ला जल्दी बताइए, डोंट वेस्ट टाइम। आवाज नहीं आ रही, दोबारा से ज्वाइन करो मुस्कान। मुस्कान शुक्ला, रीज्वाइन करो। रीज्वाइन करो बेटा। प्रियंका, स्टेप बताओ क्या लिखूं? हाँ स्टेप बताओ क्या लिखूं? हम लोग ने ये प्रोग्राम तो लिखा हुआ है ना, प्रोग्राम तो सभी लोग ने फैक्टोरियल प्रोग्राम लिख चुके हैं। क्या लिखूं, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? हाँ डिक्लेयर, अरे डिक्लेयर हो चुका है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ। हाँ तो क्या लिखूं? कौन बताएगा? हाँ मुझे तो लग रहा है बस एक ही बच्चा पढ़ता है, वही फीस दे रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, बाकी तो कोई कुछ करता ही नहीं है। बस इन्हीं को समझ में आ रहा है, बाकी सब तो बस तमाशा देख रहे हैं कि जल्दी से सर प्रोग्राम लिख दें और मैं फटाक से कॉपी करके वेरिएबल जहाँ ए लिखा वहां बी कर दूं, और जहाँ सी लिखा वहां डी करके फटाक से जो पीडीएफ बना के जमा कर दूं। इंटीजर, ठीक है, प्रिया इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया? अरे ये हमने लिए हुए हैं, यहाँ पे फर्दर हम लोग डेफिनेशन में वेरिएबल लेंगे। एफ की डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट 1 कर लिए, क्योंकि फैक्टोरियल में अगर किसी ने 0 दे दिया तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 होती है, ठीक, और कैलकुलेशन में फिर वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए पहले ही हमने एफ जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं वैल्यू इसकी 1 इनिशियलाइज कर दी। नाउ बाकी सारा काम वही है जो हम लोग ने नॉर्मल आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था, आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, और कोई इसमें अंतर नहीं है, बस कॉल करने का तरीका बताया गया है। यही तो किया था, और कुछ स्पेशल किया था क्या? और क्योंकि वॉइड नहीं लगाया है तो इसका रिटर्न दे दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, ये इसकी इतनी डेफिनेशन होगी।
पहले तो इसको हटाना है, पहले इसको सेव कर लेते हैं, देखिए क्या है। हाँ तो इसमें दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये। देखो कहीं पे कर ली वैसे, ये सेमीकोलन नहीं लगा यहाँ, गेट सीएच के बाद सेमीकोलन लगा लिए। ठीक है, दिखा रन हो गया, सिर्फ एक सेमीकोलन की वजह से इतनी एरर दिख रही थी। एंटर द नंबर, किसी को फैक्टोरियल की वैल्यू पता है? 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6 बस में हो, 720 होगा। बस में हो तुम, बस में क्लास कर रही हो? ये बढ़िया है। 720 आया, सबका आ गया। ठीक है, तो प्रोग्राम सेम वही है जो हम लोग ने लैब असाइनमेंट 4 में किया था, सिर्फ तरीका ये हुआ कि मेन में हमने उसको कॉल किया और उसकी डेफिनीशन जो मेन की जो ऑपरेशनल पार्ट है वो हमने उसकी डेफिनीशन मेन के बाहर डिफाइन कर दी है। फंक्शन का सिर्फ इतना ये काम होता है। इसको रिकर्जन से अगर करना हो तो कैसे करेंगे? जो पहले प्रखर के अलावा कोई बोलेगा नहीं, स्वास्तिक। इसको अगर रिकर्जन से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? अरे तुम बाद में बताना, रिकर्जन होता क्या है स्वास्तिक? नहीं पता? पढ़ लूंगा, अरे सर ने पढ़ाया है क्लास में। वहां तक नहीं पहुंचे होगी। हाँ कौन बताएगा रिकर्जन क्या होता भी? अरे तुम प्रखर तुम ना बोलो जब तक तुम्हारा नाम ना लें, तुम जो यही सब बोलते रहते हैं। हाँ बताओ, हाँ बताओ बताओ। हाँ क्यों, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा क्यों? कर लेंगे इसको रिकर्जन के थ्रू। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, करके देखिएगा। ठीक है, नया प्रोग्राम करते हैं। पहले तो इनको बंद करें। हाँ नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, अगला प्रोग्राम क्या है? पढ़ो भाई असाइनमेंट। वही तो, मतलब प्रोग्राम भी किसी से अगर पूछो तो एक ही बोलेंगे, दूसरा प्रोग्राम बोलने में भी जो है डर लगता है उनको कि कहीं प्रोग्राम गलत ना बोल दें, डिक्टेट करना वो भी नहीं कर पा रहे।
रोहन वर्मा बताओ भाई, टास्क क्या है? हाँ प्रोग्राम पढ़िए, सेकंड क्या कह रहा है, असाइनमेंट है कि नहीं है? क्लास खुल जाए फिर हम तुमको मोबाइल वोबाइल तो तुम लोग को हम सब समझा ही देंगे कि मोबाइल और पीसी में अंतर क्या होता है ना। श्वेता श्वेता श्रीवास्तव, हाँ असाइनमेंट पढ़िए बेटा, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अच्छा अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कहाँ पे लैपटॉप है आपका, दिखा दीजिए मुझे जरा, दिख नहीं रहा। कॉपी में नोट कर रही है। बताया नहीं तुमने भाई को कि तुम्हारी लैब है? हमने एक दिन बोला भी था कि अपना टॉस कर लीजिए है, और आज के दिन लैब वाले दिन लैपटॉप आप अपने पास रखिए। नंबर मैं इसी बेस पे दूंगा कि कौन मुझे लाइव दिखा रहा है, सिर्फ अगर छाप करके प्रोग्राम कोई दिखा देगा तो मैं उसको नंबर दूंगा, नहीं फिर ये कोई ना कहे कि मेरा नंबर कट कहाँ गए। तो प्रो लैब कम से कम मोबाइल पे ही लिखती, कंपाइलर तो पड़ा होगा ना मोबाइल पे, नहीं है तो? और लैपटॉप आपके पास है नहीं इस समय, तो मैं क्या लैब शाम को रख लूं? बताओ तुम बताओ, अगर कहो तो हम शाम को रख लिया करें लैब, जैसा बताओ। जब कह रखे रखा हुआ है मैंने कि इस दिन के लिए अपने सारे जो है अपॉइंटमेंट अपने पास रखी है, तब भी आप यही सब करते हैं आप, मतलब सभी लोग, ये सिर्फ आपको नहीं कहा जा रहा। मयंक यादव कैमरा ऑन करिए आप, क्या नाम है, मैं यादव ही नाम है ना, कैमरा ऑन करो। दिख नहीं रहे हो, लैपटॉप दिखाओ कहाँ है तुम्हारा। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम लोग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू क्या करते हैं, महेंद्र कुमार, मैं मयंक यादव, महेंद्र यादव कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? आवाज आ रही मैं क्या, तो नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन करूं, रिमूव कर दे रहा हूं मैं तो। उदयवीर कॉल बाय वैल्यूम क्या होता है बेटा? अच्छा चलो पैरेलल मेरे लिखो, प्रोग्राम लिखो, स्वैप फंक्शन एक बना लेते हैं, ठीक है? दो नंबर का स्वैप होना है, दोनों नंबर इंटीजर टाइप के आपके हो गए, ठीक ठीक है? पहले लिखते चलिए प्रोग्राम सभी लोग, कैमरा सबका मैं देख रहा हूँ, कैमरा सब लोग खोल लीजिए, पहला लिखते चलिए, मैं प्रोग्राम का सबका पहला देख रहा हूँ। कभी भी किसी कभी मैं किसी से मैं कैमरा खुलवा करके और अपोजिट करके कर सक देख सकता हूँ।
दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर स्क्रीन। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एंटर। जो भी आपने दो नंबर लिए हैं ए और बी की वैल्यू आप यूजर से इनपुट करा लीजिए, ठीक है। रीड भी कर लीजिए, इतना काम सबने कर लिया। यूजर से, और इसकी वैल्यू देखने के लिए आप क्या करिए, प्रिंट भी करा लीजिए, ठीक है। कमेंट अपने हिसाब से लिख लीजिए, तब समझ में आएगा, पता चल जाएगा। पहले लिख के चलिए, बात को कोई काम ना रखिए। ए और बी में हम चाह रहे हैं वैल्यू हमको दिखे, ठीक है। और स्लैश टी लगा दीजिए, थोड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा। नई लाइन में आ जाएगा और ए कॉमा बी ये आपने प्रिंट करा लिए। ये अभी स्वैपिंग से पहले का है। उसके बाद स्वैप फंक्शन को आपने कॉल किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर टाइप का। मेन हमारा खत्म हो, अब आइए इसके डेफिनेशन पार्ट में। जरूरी नहीं कि हमेशा डेफिनेशन हम नीचे ही लिखें, हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका है, हम यहीं पे डेफिनेशन लिख देते हैं। मेन के बाहर होनी चाहिए, हम ऊपर ही लिख देते हैं। इस बार हम ऊपर लिखते हैं। फंक्शन की एक खास बात है हमेशा कि मेन के बाहर, ऊपर नीचे, कहीं भी, किसी भी पार्ट में आप दो फंक्शन बना, दो फंक्शन कॉल कर लीजिए, स्विच लगा करके दो फंक्शन बना लीजिए, मेन्यू बेस प्रोग्राम, और डेफिनेशन एक के बाद किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, ठीक, पहले बाद में, लेकिन जिस फंक्शन को कॉल कराएंगे डेफिनेशन उसकी ही एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पे। ये खास बात है, इसलिए मैं ऊपर करके भी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैं ऊपर लिखता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने दो आर्गुमेंट पास किए और डिफरेंट आर्गुमेंट पास करेंगे, एक्स कॉमा वाई, तो हमने डिफरेंट आर्गुमेंट पास कर दी। डेफिनेशन में सेमीकोलन ना लगाइए, डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं लगता, सिर्फ डिक्लेरेशन में लगता है। यहां हमने थर्ड वेरिएबल ले लिया जेड, क्योंकि आपको स्वैपिंग करानी होगी, इंटरचेंज कराना होगा, ठीक। सबसे पहले जेड में एक्स को खाली कर दिया, अब जो x में y डाल दीजिए, क्योंकि x आपका खाली हो चुका है, ठीक है, स्वैपिंग सबको पता है। और y की वैल्यू, y में z की वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि y भी खाली हो गया, तो y में डाल दीजिए z, ये आपका स्वैपिंग हो गया। बाद में हम आपको ये तो थर्ड वेरिएबल टेम्परेरी या थर्ड वेरिएबल लेकर हमने स्वैपिंग बताई है, विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल भी आपकी स्वैपिंग हो जाती है। ओनली जो दो आर्गुमेंट लिए हैं, दो वेरिएबल लिए हैं, उनसे भी आप स्वैपिंग कर सकते हैं, वो अलग टास्क हम बताएंगे आपको। प्रिंट एफ और फिर से यही वाला स्टेटमेंट ले लीजिए, उठा के कॉपी कर लीजिए, शिफ्ट प्लस
एडिट कॉपी के लिए होता है कंट्रोल प्लस इंसर्ट। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट के लिए होता है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ये देखिए पेस्ट हो गया। दोबारा हमको नहीं लिखना पड़ा। और ये वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट करा लीजिए। कॉपी के लिए होता है कौन सा, कंट्रोल इंसर्ट। शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये यहां बंद हो गया। यहां लिख दीजिए वैल्यू आफ्टर, आफ्टर। देखिए कहीं कोई कर्ली ब्रेसेस तो नहीं छूटा है। हाँ जी, आवाज नहीं आई किसी की। डन करें, देखो है कहीं कुछ है। अरे यहाँ पे एक्स और वाई करिएगा। ठीक है, कॉपी किया है ना हम लोग ने। ए की वैल्यू 3 है और वी की वैल्यू 6। तो द वैल्यू बिफोर स्वैपिंग 3 और 6 है एंड द वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग 6 एंड 3। दिख रहा है सबको आउटपुट? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कौन इस प्रोग्राम से रिलेटेड। सेम वही है जो हमने अभी फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया, सेम वो वहां पे भी जो काम हुआ तो वो यहाँ पे भी हुआ है। अब इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका रेफरेंस पास कर देंगे। मतलब अभी तो हमने वैल्यू पास की है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रोग्राम क्या है, इसी को हमको लिखना है किससे, रेफरेंस पास करके। रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे एड्रेस पास करते हैं। अरे वो तो मुझे पता है, वो तो तरीका है, लेकिन रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफर करते हैं। तो रेफर कैसे करते हैं, डेफिनेटली हाँ, लोकेशन या एड्रेस से हम लोग उसको रेफर कर देते हैं और वहां से वो उसको ले लेता है और वैल्यू प्रिंट करा देता है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस देना, नॉट डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं उसको रेफर कर रहे हैं। तो वो तो एक तरीका है जो आप बता रहे हैं, स्टिक कर देते हैं, दिस इज ओनली मेथड, अभी आगे आपको बताया जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसका लेक्चर हो चुका है ना, मुझे लग रहा है समझाया जा चुका है। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस हम लोग कर देते हैं इसी प्रोग्राम को। ठीक है, इसी में चेंज कर दें, यही चेंज कर देते हैं, जहां हम लोग ने यहाँ इंटीजर लिखा हुआ है ये पॉइंटर टाइप का, इसका ही मतलब होता है पॉइंटर। पॉइंटर मतलब समझते हैं, पॉइंट करना। तो जो आप स्टार बता रहे हैं एक्चुअली ये पॉइंटर होता है, अभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसे भी इसमें चेंज किया है और इस बार इस बॉडी को हम उठा के नीचे लिख देंगे, इतने पार्ट को हम नीचे लिख देंगे। एक तो ये ऐड बहुत आ जाते हैं, पूरे को इस बार हम को उठा के हम उठा के लिखते हैं, कट करते हैं शिफ्ट प्लस डेल्स।
कट ही कर देते हैं। और पेस्ट कर देते हैं, यहां लिख दिया, नीचे कर दिया। ठीक है, सबको दिख रहा है, विजिबल है? ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे जो तरीका बदल दिया हमने, यहां पॉइंटर लगा दिया। फिर वाइड मेन है, हमारा पूरा प्रोग्राम सेम वही रहेगा, क्लियर स्क्रीन, सब इंटीजर हमने लिए ही है, वैल्यू दोनों की हमने ले ली। ठीक, जो जो चेंज करने हैं, वैल्यू को पढ़ा हमने, एम्परसेंड लगा के पढ़ लिया, सेम वो काम किया था। मतलब आप समझ लीजिए मेन में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या चेंज करना है, जहां आप ये वैल्यू डायरेक्ट पास कर रहे हैं इसकी जगह जो हमने यहाँ पे इनको रीड नहीं किया था, ये देखिए यहाँ रीड किया था, देख पा रहे हैं कर्सर मेरा, देख रहे हैं? तो डायरेक्टली वैल्यू ना दे करके हम उसका यहाँ पे एड्रेस ही पास कर दे रहे हैं, उस लोकेशन का एड्रेस हम पास कर दे रहे हैं, बस सिर्फ इतना बदला। यहां पे हम पहले क्या कर रहे थे, पहले वाले प्रोग्राम में हमने वैल्यू दी थी ए कॉमा बी, लेकिन यहां पे हमने क्या किया, इसका एड्रेस दिया और कोई चेंज नहीं किया, बस यही किया। नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट। ठीक, बस आपने ऑलरेडी एड्रेस पास किया है तो पॉइंटर टाइप ऑलरेडी एस्टिक लगाया था कि नहीं लगाया था, तो सेम हाँ उसी टाइप का वेरिएबल यहाँ ये और वाई भी हो जाएगा, सेम और कोई अंतर नहीं हो, इतना चेंज यहाँ होगा। ठीक है, जेड आपका टेम्परेरी वेरिएबल वहां पे ही था, यहाँ पे भी यूज हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्स था वो आपका पॉइंटर टाइप का वेरिएबल था, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू इसका पास रेफरेंस पास किया था, तो बस जहां जहां आपने पॉइंटर यूज किया है वहां वहां पॉइंटर लगा दीजिए। ठीक, यही किया, देखिएगा कहीं गलत हो रहा तो बताइएगा। डेफिनेटली ये ना, ठीक हो गया सब, कहीं कुछ छूटा? समझ में आया क्या किया, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, समझ में आया क्या किया? तो हमने क्या किया, देखिए पुराने प्रोग्राम में इसलिए चेंज किया है, दोबारा नहीं लिखा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ यहां पे हम जो पहले आपने देखा होगा ए कॉमा बी वैल्यू जो पास कर रहे थे कॉलिंग के ड्यूरेशन में, हमने उसकी जगह क्या किया, एड्रेस पास कर दिया। जो ये रीड कराते हैं, तो रीड कराने का मतलब क्या होता है, ये कहीं हमारे कंपाइलर के थ्रू मेमोरी एलोकेट होती है और वहां पे एक एड्रेस जनरेट हो जाता है, उसमें जब आप वैल्यू रन टाइम पे देते हैं तो स्टोर कर देता है, हमने उसका रेफरेंस दिया, वो एड्रेस यहाँ पे दे दिया, वैल्यू नहीं दी, एड्रेस दिया, समझ रहे हैं? डायरेक्ट ना बता करके हमने उसको सिर्फ रेफर कर दिया, बात समझ में आई क्या हो रहा है काम? इसको रन कराते हैं, सक्सेस का मैसेज दिख रहा होगा आपको, क्योंकि लिखने में कोई गलती नहीं हुई है, स्क्रीन दिख रही है सबको, और पहला ए की वैल्यू हमारी 6 है और इसकी वैल्यू हमारी 19 है बी की, तो द वैल्यू बिफोर स्वैपिंग 6 और 19 दिख रहा है एंड द वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग दिस इज 19 एंड 6, तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। यानी चाहे हम वैल्यू पास करें चाहे वैल्यू का एड्रेस पास करें, समझ रहे हैं, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा भाई, बिल्कुल वैसे ही है कि चाहे मैं आपको रोल नंबर के नाम से बुलाऊं, चाहे करप गुप्ता या स्वास्तिक सक्सेना के नाम से या ऋतु राय के नाम से बुलाऊं, पर्सन तो सेम है ना, तो सेम काम यहाँ पे ये हुआ है।
तो फंक्शन की ये क्वालिटी है कि फंक्शन में जब भी आप आर्गुमेंट पास करते हैं तो या तो उनकी डायरेक्ट वैल्यू आप दे सकते हैं या उनको उनका रेफरेंस भी दे सकते हैं, यानी जिसमें जिस पर्टिकुलर मेमोरी में वो वैल्यू रखी हुई है आप उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। और एड्रेस कुछ नहीं होता है, एक नंबर होता है जो कंपाइलर के थ्रू रन टाइम पे जनरेट किया जाता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आफ्टर सम टाइम? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी है पूछ सकता है। और मीन टाइम आप सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए, अटेंडेंस जो यहाँ पे लिखेगा उसी को अटेंडेंस मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। जल्दी से अटेंडेंस लिखिए, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखिए सब लोग। आज तो मुस्कान शुक्ला ज्वाइन इमीडिएटली, किसका किसका प्रोग्राम रन हो गया? दोनों, मेरा का नाम बताना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा तो हो गया, अर्जुन सिंह का भी हो गया, तीनों हो गए। अब देखिए कुछ ही लैब बची हैं, 3 से 4, उसके बाद हम इनको रिवाइज कराएंगे। तो जो मुझे रन टाइम पे दिखाएगा उसके मार्क्स ही माने जाएंगे कंप्लीट, बाकी अब वो लिबर्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। बहुत सारे लोग सीधे यही काम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कभी कहते हैं मैं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं। बाकी सब चीज की पहले से परमिशन लिया करिए। किसका और रन हुआ? इतने लोग का तो मैंने नोट कर लिया, अभी मैं देखूंगा। अभी होल्ड करो, यश उपाध्याय इज अब्सेंट, सूर्यांश शुक्ला इज अब्सेंट, सूर्यांश शुक्ला है, शिवांग पांडे, मुस्कान शुक्ला, इन्होंने दीवान ज्वाइन नहीं किया, पवन मिश्रा, इतने बच्चे अब्सेंट हैं। विकास वर्मा, तुम्हारा प्रोग्राम रन हो गया। पूजा, पूजा प्रोग्राम तुम्हारा रन हुआ? अभी टाइप कर रही, क्यों साथ में क्यों नहीं किया था? मैं तो बहुत धीमे धीमे कर रहा था, समझा समझा के। अच्छा बड़ी दिक्कत है। शिवांग पांडे 44 नंबर अब्सेंट। प्रखर जरा इनको मुस्कान शुक्ला को फोन करके कह दो क्लास ज्वाइन करें, नहीं तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी। तुरंत ज्वाइन करें क्लास, हर चीज बहानेबाजी से नहीं चलती है। 47 अब्सेंट कौन? रितु हो गया बेटा? आप मुझे प्रोग्राम दिखाइए तो मैं बताऊंगा आपने क्या मिस कर दिया। हाँ, तो इसमें रेफरेंस में क्या अंतर है? वैल्यू वाला रन हुआ है तो इसमें मैंने क्या क्या चेंज किया देखिए आप जरा। देखिए
तो उसमें क्या करना था, जहां इंटीजर लिखा हुआ था वहां इंटीजर टाइप का जो है वो पॉइंटर के लिए, नहीं देख के नहीं करना बेटा, समझना होता है। यही तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको जो है, मैं सिर्फ ऑनलाइन करता हूं जिससे आप समझ पाए, देख करके करते रहें, लेकिन इसको छापना नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। मेरे पास और भी तरीके हैं कि मैं इसको स्लाइड में लिख करके और आपको बता सकता हूँ, ये तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता प्रखर? है कि मैं जो है एक पीपीटी बना दूं पहले से और आपको दिखा दूं, लेकिन मैं सामने लिख करके आपको दिखा रहा हूं कि देखिए क्या हो रहा है, आपके पास टाइम भी है तो करने का भी समय मिल रहा है, करते करते मैं बोल रहा हूं तो स्पीड भी अपने हिसाब से मेंटेन हो रही है और सामने दिख रहा है कि एक्चुअल में हो क्या है। तो अगर इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप में से लोग क्यों नहीं मेहनत करते हैं? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता तरीका? भाई इसका फायदा तभी तो मिलेगा। हाँ क्या बता रहे, ठीक है तो फिर अब्सेंट रहेंगी, बता दीजिएगा उनको। मुस्कान इज अब्सेंट, पवन मिश्रा इज अब्सेंट, शिवांग पांडे, सूर्यांश एंड यश उपाध्याय। लैब को मजाक समझ रखा हूं, डिफरेंस बिटवीन लैब एंड थ्योरी क्लास। ऋतु राय हो गया, किसी कोई क्वेरी हो तो पूछिए। और जिन लोगों ने भी फाइबोनैकी सीरीज में आउटपुट लिखा है, तो मैंने कई बार बताया कि फाइबोनैकी सीरीज में जब भी आप तीसरा नंबर निकालते हैं, थर्ड नंबर इज द आउटपुट ऑफ समेशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर, लेकिन ये जरूरी है फाइबोनैकी सीरीज में कि पहला नंबर 0 और दूसरा 1 होना चाहिए, समझ रहे हैं? सीरीज 0 से ही स्टार्ट होती है। ये आप कर सकते हैं कि पहला नंबर कुछ भी लिख दें, दूसरा भी कुछ भी लिख दें, तीसरा तो उनका सम होगा ही, लेकिन ये जरूरी ये भी है कि आप उसकी यूनिफॉर्मिटी और साथ ही साथ जो उसकी प्योरिटी है, ओरिजिनलिटी, उसको मेंटेन करें, इंटीग्रिटी। दीज आर द टू अ लार्ज एक्सटेंट सिनोनिम टर्म, तो इसलिए 0 से ही स्टार्ट करिए उनको, 0 और 1 से ही स्टार्ट करिए सीरीज, यहीं से स्टार्ट, आइडियल सीरीज यहीं से स्टार्ट होती है, समझ रहे हैं? तो जिन्होंने नहीं किया है ध्यान रखिए, मैंने नंबर नहीं काटा है। फर्स्ट ग्रुप में तो बहुत लोगों ने बहुत गलत 23 नंबर से स्टार्ट कर दी सीरीज, इसलिए उनके नंबर काट दिए। ठीक है स्वास्तिक, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है मैं अब लैब एंड कर रहा हूँ, बाकी किसकी कोई क्वेरी हो तो या तो मुझे व्हाट्सएप या फोन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो भी अभी मैं डाल दूंगा, वीडियो आप देख करके इसमें कोई भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप इसको दूर कर सकते हैं, ना समझ में आए तो मुझे फोन कर लीजिएगा। और फंक्शन की प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अगले सेमेस्टर में फंक्शन से बेस्ड प्रोग्राम होंगे। सेमेस्टर जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बड़े बड़े प्रोग्राम, अभी तो ये एक प्रोग्राम में एक ही फंक्शन कॉल हुआ, इसकी डेफिनेशन है, उसमें 8-10 मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनेगा। अब आप ये समझिए, सभी लोग अगर जो लोग लाइन पे हैं, कि हमने आपको एक एक असाइनमेंट में दो दो प्रोग्राम बनाए, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग का बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, और फैक्टोरियल का बनाया या पैलिंड्रोम प्राइम का बनाया, आप चाहें तो एक ही प्रोग्राम में इन दोनों को लिख सकते हैं, कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट आपको बताया गया है, स्विच स्टेटमेंट से मेन्यू बनाइए, उनको कॉल करा लीजिए और उसकी डेफिनेशन बाहर लिख दीजिए, पैलिंड्रोम की डेफिनेशन अलग लिख दीजिए और आर्मस्ट्रॉन्ग की अलग लिख दीजिए, प्राइम की अलग लिख दीजिए, बल्कि एक ही में सारे बना सकते हैं आप सिंगल प्रोग्राम में। मेन फंक्शन एक रहेगा, स्विच से मेनू बना लीजिए और हर स्विच केस में उस क्या कहते हैं स्टेटमेंट को आप कॉल करा लीजिए, जैसे स्विच केस 1 प्राइम, जो भी आर्गुमेंट की जरूरत है तो ठीक है पास कर दिया, नहीं तो उसकी डेफिनेशन नीचे लिख दिया आपने, कर सकते नहीं कर सकते, तो एक ही प्रोग्राम में सारे आप काम कर लेंगे। फंक्शन की ये ब्यूटी है, इसीलिए फंक्शन को एक्चुअल में यूज करते हैं। ये तो हमने आपको तरीका बताया, एक छोटा सा। गुड,
गुड, तो ये तो हमने आपको एक तरीका बताया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आप प्रैक्टिकली अभी जब लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें जैसे लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट का हो सकता है आपने नाम सुना हो, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, स्टैक क्यू, इनमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो एक सिंगल प्रोग्राम में आप ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज एंड द ब्यूटी ऑफ फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। टिल देन बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और असाइनमेंट टाइमली जमा करिए। सेकंड ग्रुप में सभी का वाइवा हो गया है, एक मुस्कान शुक्ला को छोड़ करके। सेकंड जो है सेकंड ग्रुप में सभी बच्चों का वाइवा हो गया है, सिर्फ मुस्कान शुक्ला को छोड़ करके। ठीक, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।